ये खबरें बाकी खबरों से जरा हटकर हैं। शुरुआत करते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी अनोखी खबर से। अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स ने मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की योजना के बारे में नई जानकारी शेयर की है। स्पेसएक्स कंपनी की सीईओ किनी शॉर्टवेल ने टाइम मैगजीन को बताया कि मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने में स्टारलिंक सैटेलाइट की अहम भूमिका होगी। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए कंपनी धरती के साथ साथ मंगल पर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना चाहती है। स्पेसएक्स का कहना है कि ये सैटेलाइट दोनों ग्रह के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। कंपनी के मुताबिक एक बार जब लोग मंगल पर पहुंच जाएंगे तो उन्हें धरती के लोगों से बातचीत करने की जरूरत होगी। ऐसे में स्टारलिंक सैटेलाइट की अहम भूमिका होगी। वहीं स्पेसएक्स कंपनी की योजना रही है कि 2050 तक मार्स पर 10 लाख इंसान पहुंच जाएं। कंपनी की योजना के मुताबिक मंगल ग्रह के लिए हर दिन 3 फ्लाइट उड़ेगी, यानी साल में करीब 1000 फ्लाइट्स। हर फ्लाइट में करीब 100 लोग एक साथ नए ग्रह पर जाने के लिए यात्रा करेंगे। इससे पहले 2017 में एलन मस्क ने कहा था कि वे 2022 तक मंगल पर 2 कार्गो विमान भेजना चाहते हैं और 2024 तक 4 अन्य फ्लाइट्स। इन 4 फ्लाइट्स में से 2 में इंसान भी यात्रा करेंगे। दूसरी खबर बॉलीवुड से जुड़ी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने अपने स्टाफ मेंबर के लिए दशहरे के त्योहार को यादगार बना दिया। दशहरे के मौके पर अपने स्टाफ मेंबर के लिए जैकलीन ने एक कार गिफ्ट के रूप में दी। बताया जा रहा है कि जैकलीन के स्टाफ का ये मेंबर उनके साथ तब से है जब से एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। जैकलीन ने भले ही ये कार गिफ्ट की थी, लेकिन वह खुद ये नहीं जानती थी कि कार की डिलीवरी कब होगी। कार को बतौर एक सरप्राइज सेट पर डिलीवरी किया गया था। जैकलीन उस समय शूटिंग कर रही थी, यही वजह है कि वह ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में दिखाई दे रही है। जैकलीन को सेट पर पूजा करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही कार डिलीवर होने के बाद नारियल भी फोड़ा गया था। इससे पहले जैकलीन ने अपने मेकअप आर्टिस्ट को भी एक कार गिफ्ट की थी और अपने स्टाफ के साथ ही अपने फैंस के बीच भी वो काफी कूल एटीट्यूड के लिए जानी जाती है। तीसरा वायरल वीडियो पंजाब का है। इस बीच पंजाब के बाटला में रावण दहन के दौरान हादसा हो गया। रावण के पुतले में आग लगाने के दौरान जोरदार धमाके शुरू हो गए, लोगों में भगदड़ मच गई। इस हादसे में हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बाटला शहर के डीएवी स्कूल के पास रावण के पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। जब पूजन के बाद पुतला दहन के लिए आग लगाई गई तो धमाके शुरू हो गए।